अस्सलाम वालेकुम केमिस्ट्री ग्रेड एट लेक्चर नंबर फोर्टी फाइव यूनिट नंबर वन फंडामेंटल्स आफ केमिस्ट्री आज हम फिर रिटर्न वर्क कंटिन्यू करेंगे रिटर्न वर्क नंबर एलेवन क्लियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डिफरेंश बिटवीन होमो एटामिक एंड हेट्रो ऐटामिक मालिक्यूल्स आंसर ऑन द बेस ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एट द एटम यहाँ पर नेचर को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें प्रेजेंट इन द मालिक्यूल दे में बी क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स यहाँ पे टू e को फिर हाईलाइट करें होमो ऐटामिक मालिक्यूल एंड हेट्रो ऐटामिक मालिक्यूल यहाँ पर आपके नोट्स में हेट्रो में ई मिसिंग है यहाँ पर ई लिखिए ठीक है होमो एटामिक मालिक्यूल की हेडिंग दे दें लिटल मीनिंग होमो मीन सेम यहाँ पे सेम को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें डिफिनीशन की हेडिंग दे 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 टाइप ऑफ मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इस कार्ड होमो एटामिक मालिक्यूल यहाँ पर सेम एलिमेंट्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें यहाँ पे हेडिंग दे दे आल्सो कार्ड या सेकंड नेम की हेडिंग भी आप दे सकते हो दे आर आल्सो कॉल्ड होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल्स होमो न्यूक्लियर को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें मेरे एग्जाम्पल्स की हेडिंग दे दी ओ टू इन टू एच टू इन टू सी एल टू एस एट दे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमो एटामिक्स सारे जो है एक ही सेम एलिमेंट्स के एटम से बने हैं दैट इज़ कॉल्ड होमो एटामिक अब हेट्रो एटामिक्ट्रो में यहाँ पे ई मिसेंगे आपके नोट्स में यहाँ पे ई लिखे हेट्रो एटामिक मालिक्यूल अब हेट्रो एटामिक मालिक्यूल के लिट्रली मीनिंग्स हेट्रो यहाँ पे फिर ई हेट्रो मीनस डिफरेंट इसको ब्लैक मार्कर से डिफरेंट को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें अब डिफिनीशन के दैट टाइप ऑफ मालिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इस कॉल्ड हेट्रो एटामिक मालिक्यूल्स यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें आल्सो कॉल्ड या सेकंड नेम इसके जगह आप सेकंड नेम भी लिख सकते हो इट इज़ आल्सो कॉल्ड हेट्रो न्यूक्लियर मालिक्यूल यहाँ पे हेट्रो न्यूक्लियर को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें यहाँ पे फिर ई मेसिंग या ई लिख लें आपके नोट्स में एग्जाम्पल्स कार्बन डाइऑक्साइड एच टू ओ एन एच थ्री सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एट्सेट्रा ये सारे जो है ये डिफरेंट एलिमेंट से बने हैं दियर फॉर दे आरकार हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अब ये क्वेश्चन फिनिश हो गया आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें क्लियर अब इसके बाद एक्सरसाइज शार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव

सी ओ टू अरगान एच टू सो फोर एंड सी सिक्स एच टोल्व ओ सिक्स ग्लोकोज ये दी गई है इसमें कौन सा मोनोटामिक है हेटरोटामिकस मानोटामिक है पोली एटामिक है डाई एटामिक है जो भी है आपने इसको क्लासीफाई करनी आप इसके आंसर की हेडिंग दे दें और फिर लिख दें मानो एटामिक मालिक्यूल्स की हेडिंग दे दें तो यहाँ पर अरगान और हीम जो है ये दोनों ग्रूप एड से बिलोंग करते हैं एंड दे आर कॉल्ड मानो एटामिक मालिक्यूल्स अब आप डाई एटामिक मालिक्यूल की हेडिंग दे दें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और एच सी एल ये दोनों दो एटम्स पे मुश्तमिल हैं फॉर दे आरकाल डाई एटामिक मालिक्यल्स अब ट्राई एटामिक मालिक्यूल्स की हेडिंग दे दी तो सी यू टू कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू इसमें थ्री एटम्स हैं दे आर देरकाल ट्राई एटामिक मालिक्यूल्स अब पोली एटामिक मालिक्यूल्स तो इसमें ए सैट एच टू so से फोर और सी सिक्स एच टिक्स मोर देन मोर देन थ्री फोर फाइव इसमें ज़्यादा देयर फॉर देरकाल पोली एटामिक मालिक्यूल्स क्लियर अब फिनिशिंग लाइन ड्रा करें लांग क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ लांग क्वेश्चन नंबर टू वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म मोल एंड ए नंबर एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स क्लियर अब इसकी ई क्वेश्चन आप लिखेंगे आंसर की हेडिंग दे दें फिर मोल की हेडिंग दे दें और इसके बाद डिफिनीशन की हेडिंग दे दें क्लियर ए मोल इज डिफाइन एज द एमाउंट और मास ऑफ ए सबस्ट विच कंटेंट एड्रोज नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन ट्वेंटी यहाँ पे इसको हाईलाइट करें अब क्वान्टिटेटिव डिफिनेशन क्वान्टिटेटिव डिफिनीशन क्या है हेडिंग दे, दे दी इसकी मोल कैन बी क्वान्टिटेटिवली डिफाइंड एज द एटामिक मास ऑफ एन एटम मालिकुलर मास मालिक्यूल और फार्मूला मास फार्मूला यूनिट सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम ए स्कॉर्ड मोल यहाँ पे आप एटॉमिक मास मालिकुलर मास और फार्मूला मास को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर यहाँ पे ग्राम्स को भी आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें अब आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे दें इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड एज मोल अब लिंक की हेडिंग दे दें इट फॉर्म ए लिंक बिटवीन मास आप सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पे मास और नंबर को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें नो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे दें नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास अब आप एग्जांपल्स की हेडिंग दे दें तो वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो ग्राम वन मोल ऑफ कार्बन इज टू ट ग्राम वन मोल आपकुल टू एटीन ग्राम एंड वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू फोर्टी फोर ग्राम ये वन पॉइंट जीरो जीरो एट ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है तो इसको इस एक्सप्रेस करें ग्राम में तो दैट इज़ इक्वल टू वन मोल इसी तरह ट्वेल्व कार्बन का एटॉमिक मास है और एटीन जो है वाटर का मालिकुलर मास है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटी फोर इसका मालिकुलर मास है तो एटॉमिक मास आर मालिकुलर मासप्रेसड इन ग्राम दैट इज इक्वल टू मोल क्लियर वन मोल आप सोडियम इज़ इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ग्राम अब ये ट्वेंटी थ्री ग्राम को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें जितनी भी मास इन ग्राम्स दिए गए हैं वो ब्लैक मार्कर से हाई लाइट करें अब गेडरोज नंबर की हेडिंग दे दे एव नंबर की हेडिंग दे दे डिफिनीशन की हेडिंग दे इट इज़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एटम्स मालिक्यूल्स आर आयन इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एंड इट इज नोमेरिकली इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पॉइंट टू थ्री यहाँ पे वन मोल को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें नॉट डिटर्मेंट बाय दिस नंबर वाज डिटर्मेंड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट एमाइडो एमाइडोवेगेड्रो अब एमाइडो एवगेड्रो को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें सिम्बॉिक रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दे दे और गैड्रोज नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल इन एन ए को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें अब एग्जांपल्स की हेडिंग दे दे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम इज ईक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री एटम्स यहाँ पे वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ट्व ग्राम इज इक्वल ईक्स पॉइंट ट्वेंटी थ्री एटम्स वन मोल ऑफ इज इक्वल टू एटीन ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू द पार्टिकल्स वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू फोर्टी फोर ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंट टेन इन सुपर ट्वेंटी थ्री कारबन डाईआक्साइड मालिक्यूल्स वन मोल ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ग्राम एंड दैट इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इन्टेपर ट्वेंटी थ्री सोडियम आयंस ठीक है क्योंकि पार्टिकल्स आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं अब आप मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस की हेडिंग दे दें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय गैड्रोज नंबर इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की भी हेडिंग दे सकते हैं नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एनए इन ए इज़ ए गेडरोज नंबर अब आप उसको रीअरेंज करें तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को अपनी जगह पर छोड़ दें और इसको इस साइड पे लेकर आए तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और इस साइड पे जब आप इसको लेकर आएंगे तो ये यह यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई इनए इसी तरीके से आप नंबर ऑफ़ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ मोल और गेडरोज नंबर के नमेरिकल जो है ये आप इस फार से कैलकुलेट कर सकते हो ऑलरेडी हम इसकी प्रैक्टिस करवा चुके हैं और भी करवाएंगे दैट इज़ मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस अबाउट मोल्स एंड गेडरोज नंबर एग्जेम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर जितनी भी हेडिंग आपने की है इसकी अंडरलाइनिंग uh, करे और फिनिशिंग लाइन ड्रा करे क्लियर अब अपने साथ शाबाश होमवर्क नोट कर ले आपका होमवर्क है डू प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम्पल्स वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर फोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5, 1.6 एंड आल्सो राइट इन क्लास वर्क कापी जो आपकी नीट नोटबुक है आप इसमें इसकी प्रैक्टिस भी करें और इसको नीट नोटबुक में लिख के क्योंकि ऑलरेडी इसकी इस ये मै साल करवा चुका हूँ इसकी प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ पेज नंबर 33 एंड पेज नंबर 34 फोर ऑन बुक आपकी बुक पेज नंबर थर्टी और थर्टी फोर ये ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एग्जाम्पल्स इसको प्रैक्टिस और इसको नीट नोटबुक में लिख के ये आज का होमवर्क है क्लियर